गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रूव्यू का न्यू स्मार्ट इंटरैक्टिव टच पैनल। ये स्मार्ट इंटरैक्टिव टच पैनल 65 इंच, 75 इंच, 85 एंड 100 इंच में अवेलेबल है। इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एंड्रॉयड जो कि इनबिल्ट डिवाइस के साथ में आता है, और विंडोज विच इज ऑप्शनल, आप उसको चॉइस कर सकते हैं। दिस स्क्रीन्स आज की डेट में ये वाइडली यूज होती है स्मार्ट क्लासेस के अंदर, जहाँ पे हम इसको व्हाइट बोर्ड के जैसे भी यूज कर सकते हैं। प्लस हम लोग इसको कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग्स रूम्स के अंदर फॉर प्रेजेंटेशन और फॉर डिस्प्लेइंग सम थिंग हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ पावर बटन, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एंड वील जस्ट गो थ्रू हाउ द लुक एंड फील इज। इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें दो सामने यूएसबी डिवाइसेस लगाने के लिए ऑप्शन दिया है, साथ में इसमें पीछे भी यूएसबी और एचडीएमआई कनेक्शन का ऑप्शन है, ताकि आप आपके जो भी कंटेंट है ऑफ मीटिंग या फिर आपके कोई एप्लीकेशंस है, एजुकेशनल ऐप, वो भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ होम पेज फॉर एंड्रॉयड। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे व्हाइट बोर्ड है, फाइल मैनेजर है, सेम जो आप आपके स्मार्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस में देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस का ऑप्शन है एंड यहाँ पे एप्लीकेशन मॉल है। इस एप्लीकेशन मॉल के थ्रू आप कई सारे एप्लीकेशंस इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड बेस है। तो अभी हम लोग एक डेमो लेंगे। दिस इज बेसिकली अ स्मार्ट एसिस्ट टू टच बटन। इसमें हम लोग शॉर्टकट्स, 5 से 6 शॉर्टकट्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली हेल्प करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच करने के लिए। जैसा हमने इसके अंदर एक विंडोज ओपीएस सिस्टम भी हमने ऐड किया है, हम आपको बताते हैं विंडोज ओपीएस सिस्टम, जो कि एक छोटा सा डिवाइस है जो कि स्क्रीन के साथ ही लग जाता है। अब देख पाएंगे ये वाला जो डिवाइस है, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोर i3, i5, i7 विथ 4GB 120GB रैम, या फिर कस्टम अवेलेबल है, आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल आता है, ये अगर आप चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप अलग से स्क्रीन नॉर्मल अपना कंप्यूटर लगा के भी इसके अंदर डिस्प्ले आप मैच कर सकते हैं। VGA और HDMI का इनपुट ऑपोजिट साइड में दिया गया है स्क्रीन के। अब हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इस स्क्रीन को, स्मार्ट इंटरैक्टिव टच पैनल को, आप व्हाइट बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है व्हाइट बोर्ड का, हमें उस पर बस क्लिक करना है, एक पेज ओपन हो जाएगा। दिस इज लाइक अ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट द कलर्स, आपको किस तरीके से बोर्ड चाहिए, कौन सा कलर का बोर्ड चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने इस पे पहले जो सिलेक्ट किया था, दैट इज लाइक अ ब्लैक कलर। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको पेंसिल एंड उसके कलर सिलेक्ट करने का। यहाँ पे आप पेंसिल का साइज, कितना थिकनेस आपको चाहिए लिखने में, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 साइज विद रेड कलर हमने सिलेक्ट किया है, सो यू कैन राइट। अब हम लोगों को अगर किसी कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम लोग इसमें, जैसे अगर एजुकेशन के हिसाब से हम लोग अगर बात करते हैं, लाइक यू कैन डू इट। अगर मुझे कोई चीज को उठा के अगर बाजू में रखना है तो आई कैन जस्ट पिक एंड चूज, इसको मैं इसको उठा ड्रैग करके हम लोग इसको बाजू में कर देंगे। यहाँ पे वी कैन राइट अनदर थ्योरम कलर। अब मुझे अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है या फिर मुझे कलर सिलेक्ट और करना है, तो आई कैन सिलेक्ट अनदर कलर से, हमने येलो कलर सिलेक्ट किया, हमने येलो कलर से इसको हाईलाइट करके हमने इसको मार्क करके बताया। या हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि हम लोग मार्कर भी यूज कर सकते हैं। मार्कर हम लोग सिलेक्ट करके, अगर आपने, आपके पास कोई इमेज है और उसमें अगर आपको कोई चीज़ को पॉइंट करना है, तो आई कैन पॉइंट इट विथ सम अदर कलर्स। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर गलत हो जाती है, आपको रफ करना है, तो आपको डायरेक्टली जस्ट टच करना है एंड यू कैन हैव द रबर, अब इसको मिटा सकते हैं। या फिर यहाँ पे इरेजर का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली रफ करना है, उतनी चीज को आप मार्क कर दें, वो ऑटोमेटिकली रफ हो जाएगी। अगर कोई चीज गलती से रफ हो जाती है, तो आप यहाँ पे अंडू एंड रीडू का भी ऑप्शन है,
अब इसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई चीज मुझे कॉपी करना है तो मुझे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है जिसे मैं सिर्फ सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी का ऑप्शन दबा दिया, यहाँ पे उसका कॉपी आ गया। या अगर मुझे डिलीट करना है तो आई कैन सिंपली क्लिक एंड डिलीट इट। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपल एप्लीकेशंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें और कई सारे फीचर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि देर इज ऑप्शन ऑफ ओपन फाइल। अगर आपके पास कंप्यूटर में अगर ऑलरेडी कोई इमेज या कोई फाइल है जो आप आपके प्रेजेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे से वो फाइल ओपन करके आप उसे स्क्रीन पे बता सकते हैं। एक्सपोर्ट पिक्चर, अगर मैंने कुछ यहाँ पे मैंने कुछ वर्कआउट किया है, से फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्रेंस में मैंने कुछ प्लानिंग्स बताई है रिगार्डिंग सेल्स, या फिर हमने स्कूल में कुछ एक ड्राइंग बताया है, अगर हमने इसको सेव करके रखना है परमानेंटली तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके हम हमारे जो इसकी इंटरनल मेमोरी है एंड्रॉयड की, इसके अंदर हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। इस स्क्रीन के अंदर एसडी कार्ड का ऑप्शन है जहाँ से आप इसके मेमोरीज को अगर आप चाहते तो 128 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है मेल सेंड का। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इमेज हमने या जो भी हमने यहाँ पे बताया है ये डायरेक्टली ऐसे मेल चले जाए तो यहाँ पे आपको वन टाइम कॉन्फिगर करके रखना है। यू कैन यूज इट फॉर मेल, डायरेक्टली यहाँ से इमेज आपका मेल में चला जाएगा। प्लस इसमें एक और ऑप्शन है स्वाइप शेयरिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि अगर हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में है और अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ या मैंने कुछ वर्किंग बताई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे यहाँ पे बैठे हुए लोगों के पास वो सेव हो जाए, तो मुझे इन हर लोगों को कॉपी करके नहीं देना होता है। आई कैन जस्ट मेक अ सिंपल स्वाइप शेयरिंग। यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा तो आप देखेंगे कि जैसे हमने क्यूआर कोड जनरेट पे लगाया तो एक क्यूआर कोड आ गया। हम लोगों को सिर्फ ये क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने मोबाइल में और ये जो इमेज यहाँ पे चल रही है डायरेक्टली आपके मोबाइल पे ऐसा इमेज जेपैक के फॉर्मेट में आपके मोबाइल्स में आ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली यूज स्मार्ट बोर्ड। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्मार्ट बोर्ड से इमीजिएटली किसी दूसरी चीज पे स्विच होना है तो विद द हेल्प ऑफ एसएसटू बटन मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे यूज कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहता हूँ कि ये एज इट इज रहे और अगर कुछ और डाउट है मुझे और कोई पेजेस बना के अगर बताना है तो आई कैन सिंपली क्लिक हियर प्लस बटन, मैं एक नया पेज ऐड कर सकता हूँ और नए पेज पे वी कैन अगेन हम लोग इसको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चॉप कर देना वाले ट्रू व्यू के इस स्मार्ट इंटरेक्टिव टच पैनल में आप बिल्ट इन ओपीएस सिस्टम यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप डाल सकते हैं। कोर i3 i5 i7 आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसमें बिल्ट इन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सटर्नल लगाने का भी ऑप्शन है। अभी हम लोगों ने इस स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन ओपीएस डाला है, अब हम देखते हैं कि हम उसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपल एसएसयू टच बटन पे क्लिक करके आपको ओपीएस पे क्लिक करना है, आपका विंडोज ओपन हो जाएगा। ये एज गुड एज आपके कंप्यूटर जैसा काम करेगा। यहाँ से आप आपके कोई फाइल्स ओपन करने हैं तो आप जैसे नॉर्मल ऑपरेट करते हैं आप इसे यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आती है, विंडोज 7 या विंडोज 10 कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है ये आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो डाला है इसमें 4 GB 120 GB का कोर i3 प्रोसेसर डाला है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी कैन मेक द डिफरेंट डेज हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम लोग इसमें एक्सेल यूज कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट ऑप्शन, हम लोग एक्सेल वगैरह सारा चीज इसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन लाइव प्रेजेंटेशन में आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसा मैं अभी प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ और मुझे इसमें कोई मार्क करना है, मार्किंग करना है, तो विद द सिंपल हेल्प ऑफ पेन मैं यहाँ से हाईलाइटर पेन सिलेक्ट कर दूंगा। पेन में अगर मुझे कुछ मार्क करके बताना है एडिशनल तो आई कैन मार्क इट। मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन इफ वी थिंक कि एक्सप्लेनेशन हो गया और हम लोगों को मूव ऑन करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर देंगे सारा एंड वी कैन सॉरी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन डायरेक्टली फ्रॉम यहाँ पे। आपको सिर्फ टच करना है एंड लेट्स यू कैन गो विद द नेक्स्ट स्क्रीन। तो ये एक सिस्टम के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हो। आपको कोई वीडियो चलाने हैं इसमें तो इसमें ऑलरेडी दो स्पीकर्स लगे हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो और वीडियो चला सकते हो।
को आप ऐसा टीवी भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका 3-in-1 सिस्टम बन जाएगा जिसके अंदर आप एंड्रॉइड भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं, टीवी भी चला सकते हैं, और यस जैसा आपने पहले देखा है इसमें आप व्हाइट बोर्ड की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज योर नॉर्मल कंप्यूटर, और आप इसे अगर एक्सटर्नल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो देयर इज अ डिवाइस कॉल सिंक लैपटॉप, इसमें मिरर होगा, और आपका लैपटॉप अगर आप इसमें इनबिल्ट कंप्यूटर नहीं लेते हैं तो आप आपके लैपटॉप को भी मिररिंग करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस स्मार्ट इंटरेक्टिव टच पैनल में एक और ऑप्शन है जिसे हम लोग स्क्रीन मिररिंग के नाम से जानते हैं। इसमें एक सॉफ्टवेयर है ई शो के नाम से विच इज बिल्ट इन, जिसके अंदर जिसे आप ओपन करके अब आपका कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल को डायरेक्टली आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इसमें विंडोज के जो कंप्यूटर है इसको आप वीजीए केबल या एचडीएमआई केबल के थ्रू भी देख सकते हैं, बट अगर आप केबल नहीं चाहते हैं तो एक अलग से डिवाइस आता है जिसे हम लोग सिंक पॉड बोलते हैं। इस टाइप का एक डिवाइस है जो आपको आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है और डायरेक्टली वायरलेस के थ्रू, इसमें बिल्ट इन वायरलेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट एंड पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन आपके लैपटॉप में करना है और डायरेक्टली आप वायरलेस के थ्रू आपके लैपटॉप का मिररिंग इसके साथ कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन विंडोज सिस्टम लगाने का भी ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें मिररिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया है, यहाँ पे हमने इसको डिवाइस के साथ कर दिया है कि, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डिवाइस में चल रहा है वही आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। अभी स्क्रीन के अंदर दो ऑप्शन आते हैं जिसमें आप एक तो आप एक स्क्रीन देख सकते हैं और कुछ वेरिएंट्स आते हैं जिसके अंदर आप चार डिस्प्ले एट अ टाइम आप ले सकते हैं, या तो आपके चार कंप्यूटर हो सकते हैं या कंप्यूटर और मोबाइल हो सकते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि लैपटॉप हमने यहाँ पे मिररिंग किया, अब आप इस लैपटॉप को विद द हेल्प ऑफ टच आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम अगर कुछ मुझे फाइल ओपन करनी है तो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन द फाइल और जो मैं यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हूँ वही आपके लैपटॉप में डायरेक्टली होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जैसा अभी मैंने बताया कि ये एक विंडोज सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, अगर आपको इसी के साथ साथ अगर आपको आपका मोबाइल भी इसमें अटैच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वाईफाई के साथ जो इसका बिल्ट इन वाईफाई है उसके साथ मैंने इसे कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक ऐप आता है, इस ऐप में बस हमें रिफ्रेश करना है और इस डिवाइस के साथ क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि इस ये मोबाइल विद कंप्यूटर दोनों साथ में चल रहा है। इसके अलावा आप और दो चीज यूज कर सकते हैं, ये स्क्रीन विल गेट डिवाइडेड इनटू फोर और आप इसमें चार विंडोज देख सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ प्ले करना है से लाइक वीडियोस और समथिंग, मैं ओपन कर सकता हूँ, आई कैन प्ले द वीडियोज़।